अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि रेज़र सिंटैक्स क्या है और कैसे हम रेज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यूज़ के अंदर। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये माई एक्शन का एक व्यू क्रिएट किया था और हमने होम कंट्रोलर के अंदर माई एक्शन का एक्शन ऐड किया था ताकि जब भी हम माई एक्शन को एक्सेस करें तो हमें ये नज़र आता था। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली रेजर सिंटैक्स क्या है कि आप अपने व्यूज़ के अंदर, और नोट करें कि ये फाइल का नाम सी एस एच टी एम एल नॉट एच टी एम एल। सो ये नॉर्मल एच टी एम एल फाइल्स नहीं है, ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कि मिक्स्ड फाइल है। इसके अंदर आप एच टी एम एल भी लिख सकते हैं और प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं सी शार्प की। तो जब आपके यूज़र की रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पे आती है, सो ये व्यू प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के अंदर अगर आपने सी शार्प का कोड लिखा हो, वो प्रोसेस उसकी जो आउटपुट होती है बेसिकली जो उसे एच टी एम एल बनती है वो क्लाइंट पे जाती है, सी शार्प का कोड क्लाइंट पे नहीं जाता। सो हम स्टार्ट करते हैं। रेजर सिंटैक्स आप लिखते हैं बेसिकली ये ऐट का साइन यूज़ करते हैं, और अगर सिंगल लाइन हो तो आप ये ब्रैकेट्स के बगैर काम कर लेते हैं, और अगर आपका मल्टी स्टेटमेंट आपने प्रोग्रामिंग करनी हो तो आप कर्ली ब्रेसिस लगाते हैं, उसके अंदर आप अपनी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, सो मैं यहाँ पे कुछ सिंटैक्स कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। सो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो आप सी शार्प में काम जो जो कर सकते हैं सारे काम यहाँ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल क्रिएट किए हैं, मैं इन्हें लादा भी कर सकता था एक नया ब्लॉक बना के भी, मैंने ये दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैंने एक लूप चलानी हो रेजर सिंटैक्स के अंदर तो कैसे करूँगा। अगेन वेरी सिंपल, आपने यहाँ पे ऐट का साइन स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ये लूप यहाँ चलाना चाह रहा था, मैं ऊपर नहीं चलाना चाह रहा था। सो मैंने सिंपल सा एक वेरिएबल लिया सम का, एक फॉर लूप लगाई है सी शार्प में, और मैंने कहा कि 1 से लेकर 10 तक सम कर दो। और बाद में मैंने जब राइट लिखा है तो इसका मतलब है कि जो सम की वैल्यू होगी वो इस पोजीशन में, यानी माई एक्शन के बाद ये पूरा जो कोड का ब्लॉक है इसकी जो इवेंचुअल आउटपुट है जो ब्राउज़र में जानी है वो ये राइट सम यानी वैल्यू जानी है। इसको हम देखते हैं चला के कैसे होगा। इसको मैंने कंट्रोल F5 किया है, सो ये मेरे पास ब्राउज़र खुल गया है। अब मैं इसके अंदर होम स्लैश माई एक्शन को कॉल करता हूँ, स्लैश माई एक्शन होम को कॉल करता हूँ। सो ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको अब मैं यहाँ पे सेव करूँ, अब ये सेव नहीं थी, और यहाँ पर कंट्रोल F5 करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करने के लिए कंट्रोल R किया, तो यू कैन सी 55 यहाँ प्रिंट हो गया है यहाँ पे। अब अगर आप इसकी HTML ज़रा इंस्पेक्ट करें कि ब्राउज़र में, जब ब्राउज़र में ये पेज की आउटपुट आई है तो क्या आया है, क्या वो मैंने जो ऐड का साइन लगाया था वो भी आया कि नहीं आया। सो आप नोट करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ वो हेडिंग 1 है, और उसके बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग थी वो सर्वर पे एग्जीक्यूट हुई है, और उसमें जो आपने राइट की लाइन लिखी थी उससे ये चीज़ यहाँ पे 55 हमारे पास प्रिंट हुआ था वो यहाँ पे आ गया। सो आई होप सो बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो अब आप अपने इस पेज के अंदर जिस तरह की मर्जी सी शार्प लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सी शार्प भी लिख सकते हैं, और पूरी पूरी लॉजिक लिख सकते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि आप अपने व्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग ना करें जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, बल्कि ये प्रोग्रामिंग कहीं और होनी चाहिए, लॉजिकल प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर हो या कहीं और हो। और व्यू का काम सिर्फ ये हो कि जो इसको डाटा मिले ये उस डाटा को प्रिंट करे, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं इफ एल्स लगा सकता हूँ इसके अंदर? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इफ एल्स लगाने की ट्राई की है रेजर सिंटैक्स के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे वही वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर था उसको चेक किया है कि क्या उस वेरिएबल की वैल्यू 10 से लेस है। तो मैंने कहा कि ये चीज़ पेज का पार्ट बन जाए, मैं यहाँ राइट का फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा, डायरेक्टली अपना एक टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो आप रेजर के अंदर सी शार्प की प्रोग्रामिंग के साथ इस तरह HTML को मिक्स कर सकते हैं। सो अब होगा क्या, जब वो प्रोसेसिंग करेगा तो इस इफ़ के मुताबिक अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो इस चीज़ को पेज में रिस्पॉन्स का पार्ट बना देगा, अदरवाइज H2 को पार्ट बना देगा। सो लेट्स ट्राई, दस के साथ ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा, तो बाय डिफ़ॉल्ट एज इज़ लेस देन 10 आ रहा है बिकॉज आपके पास यहाँ पे एज की वैल्यू 10 से लेस देन इक्वल है, तो ये मैसेज आ गया। अगर आप उस इसको ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं तो यू कैन सी हेयर कि मेरे पास उसके अंदर वो कोई इफ एल्स नहीं आई, बल्कि जो एक्चुअली रिस्पॉन्स था वो आया है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और इसको लेट्स सपोज 15 कह देता हूँ, और अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यू कैन सी दैट क्या मेरे पास इसको सेव किया मैंने, सॉरी 10 है, इसको 15 करते हैं वैल्यू को। अब देखते हैं कि क्या हुआ है। तो अब मेरे पास रिजल्ट आया एज इज़ ग्रेटर देन 10। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि पेज के अंदर इस तरह हो रहा है। सो आइडिया ये है कि आप किस तरह अपने HTML से सर्वर साइड पे मैनिपुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डाटा, और किस तरह अपनी HTML को अपनी मर्जी के मुताबिक रेंडर करवा सकते हैं। दैट्स द होल आइडिया वी आर डिस्कसिंग थ्रू रेजर सिंटैक्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर लूप की एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो इस फॉर लूप के अंदर अब यहाँ पे हमने कहा है कि जी एक फॉर लूप चलाओ, और फॉर के अंदर हमने स्पैन और सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट की हुई है,
और स्ट्रिंग के साथ अगर आपने अपना वेरिएबल या कोई प्रिंट करना हो तो जब एचटीएमएल चल रही हो तो कभी भी आप ऐट का साइन लगा के अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो प्रोग्रामिंग सी शार्प भी कर रहे थे, बीच में हमने एचटीएमएल मिक्स कर दी और ये कर दिया। अगर आपने पीएचपी में काम किया हुआ है तो आपको ये बड़ा फेमिलियर सिंटैक्स लगेगा, जिस तरह उसमें सिर्फ टैग लगाते हैं आप, यहाँ पे आपको टैग ऐट का साइन यूज़ करना है और इन इन योर एचटीएमएल यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर सी शार्प कोड। तो मैंने यहाँ पे ऐट आई कर दिया। इसको आप देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने वो मेरी आउटपुट प्रिंट की है, वो स्पैन प्रिंट कर दिए जितने आपने प्रिंट किए थे। सो इसका मतलब ये कि आप अपनी इस तरह प्रोग्रामेटिकली लॉजिक इस्तेमाल करके अपनी एचटीएमएल को और डायनामिक रेंडर भी करवा सकते हैं इस ऐट के साइन के ज़रिए, जो कि आप करेंगे नॉर्मली जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे इस तरह करके। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में एक टेक्स्ट बॉक्स, एचटीएमएल का टेक्स्ट बॉक्स है और सिंपली हमने जो हमारा ये वेरिएबल था नेम का, जो कि सिंपल एक सी शार्प का वेरिएबल है, उसको हमने वैल्यू में रखवा दिया है। इसका मतलब जब वो इस इनपुट को रेंडर करेगा, यानी इस व्यू की एचटीएमएल जनरेट करेगा, तो वो नेम की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करके भेजेगा क्लाइंट साइड पे। तो क्लाइंट साइड पे कैसे आउटपुट आएगी इसकी, यू कैन सी हियर कि वो जो इनपुट बॉक्स आया है उसकी वैल्यू में वो नाम लिखा हुआ है। तो आपको भी करना पड़ेगा सम टाइम। तो जस्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अच्छा, अब इस केस में हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि हम मॉडल के अंदर एक नई क्लास ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे जाके एक नई क्लास ऐड करता हूँ, सिंपल सी क्लास है यूज़र मैनेजर की, और मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इस सारे कोड की जगह पे अपना एक सैम्पल कोड है जो मैंने लिखा है वो रेंडर करवा देता हूँ। सो इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या कोड है। एक क्लास बनाई यूज़र मैनेजर की, स्टैटिक क्लास है जिसके अंदर फंक्शन है वैलिडेट यूज़र का, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है जो कि दो इनपुट ले रहा है, लॉगिन पासवर्ड की। हार्ड कोडेड हमने यहाँ पे किया है कि लॉगिन और पासवर्ड में अगर एडमिन एडमिन आएगा तो ट्रू रिटर्न कर दो वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। इसके बाद एक फंक्शन लिखा है गेट यूज़र का, एक सिंपल सी क्लास बनाई यूज़र की जिसके अंदर नेम और एज है, और यहाँ हमने डमी यूज़र लिस्ट में डाले हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको ये लिस्ट जो है दो यूज़र के साथ रिटर्न हो जाएगी। ये हमने एक सिंपल सा अपना एक मॉडल बिल्ड किया या समझ लें क्लास बिल्ड की अपनी हेल्प के लिए। अब आते हैं अपने एक्शन के अंदर। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कोड लिखा है, कोड ये लिखा है कि मैं उस यूज़र मैनेजर की क्लास को डायरेक्टली यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आइडिया ये है कि आप अपने किसी भी क्लास को जिस नॉर्मल प्रोग्रामिंग में एक्सेस करते हैं वैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे यूज़र मैनेजर का फंक्शन कॉल किया है, उसके अंदर वैल्यूज़ पास की हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पसेस, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये क्यों किया है, बताने के लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर रिजल्ट ट्रू आएगा तो मैंने इस तरह की एचटीएमएल रिटर्न कर दी है, और रन मीन रेंडर करवा दी है, रिस्पॉन्स का पार्ट बना दिया। अगर ये फॉल्स होगा तो मैंने इस तरह की एचटीएमएल पार्ट बना दी है। सो इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं सिंपली, और उसके बाद हम चले जाते हैं अपने पेज के ऊपर रिस्पॉन्स देखने के लिए। बिल्ड सक्सीडेड, सो रिफ्रेश द पेज और ये वैलिडेट यूज़र आ गया। सो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पासवर्ड में कुछ चीज़ चेंज करता हूँ और यहाँ आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो नॉट अ वैलिड यूज़र, तो मुझे एरर आ गया। सो इस तरह आप अपने पास कोई चीज़ किसी चीज़ की बेस पे अपनी कंडीशनिंग कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हमने जो गेट यूज़र का फंक्शन लिखा था, जो यूज़र की जिसे रिटर्न कर रहा था वो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर की है, और नोट करें कि मैंने यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट किया, इट मीन्स कि आई कैन राइट सी शार्प हियर। मैं जहाँ भी दिल करे सी शार्प के साथ एचटीएमएल स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगर एचटीएमएल के अंदर मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो फिर दोबारा ऐड का साइन लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यूज़र को एक टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मैंने टेबल को स्टार्ट किया है, टी हेड दिया है ताकि ऊपर मुझे हेडर नज़र आ जाए, और फिर मैंने बॉडी के लिए, यहाँ मुझे बॉडी का टैग लगाना चाहिए था, बॉडी के लिए मैंने सिंपली फॉर लूप लगाई है, और फॉर लूप के अंदर डायनामिक टी आर प्रिंट करवा रहा हूँ, और मेरे हर यू के वेरिएबल में नेम होगा और एज होगा। तो नोट करें कि जब मैंने टी आर के अंदर दोबारा इस्तेमाल करना है सी शार्प को, तो मैं खाली यू नहीं लिख सकता, मुझे ऐट का साइन लगा के अपने वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो हमने इसको एक्सेस किया है, लेट्स चेक के क्या बना है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये मेरा डाटा आ गया। इसको इंस्पेक्ट करें तो आपको सिंपल एचटीएमएल जो आपने रेंडर करवाई थी इंटेंशनली, वो आपको एचटीएमएल यहाँ पे टी बॉडी में नज़र आएगी। जो कोड था वो कोड सर्वर साइड पे था, उसने प्रोसेसिंग करके ये चीज़ जनरेट की थी और क्लाइंट पे सेंड कर दी वापस। सो ये हमारे व्यू के अंदर आप रिजर्व सिंटैक्स को इस डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। रिजर्व सिंटैक्स इज जस्ट लाइक जिस तरह पीएचपी फाइल के अंदर पीएचपी का सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं, और एचटीएमएल अपनी रेंडर करवाने के लिए प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पे। ओके, थैंक यू।